आदाब नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं। शामली के कांदला कस्बे के दर्जनों लोगों ने पालिका द्वारा जर्जर सड़क का निर्माण नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया एवं सड़क निर्माण नहीं होने पर धरने की भी चेतावनी दी। इस दौरान दर्जनों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, जनपद शामली के कांदला कस्बे के मोहल्ला माजरा निवासी दर्जनों लोगों ने रविवार को मोहल्ले में ही प्रदर्शन करते हुए पालिका कर्मचारियों सहित जिले के उच्च अधिकारियों पर शिकायत के बावजूद भी जर्जर सड़क का निर्माण नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए मुनव्वर हसन की रिपोर्ट। अच्छा, ये क्या मामला है जी? अभी आप लोगों ने हंगामा किया, कई लोग थे आपके साथ? यहाँ बारिश होती है, घुटने घुटनों तक पानी भर जाता है, निकलना बढ़ना मुश्किल है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, गंदगी हो जाती है, सारा कीचड़ आगे का पीछे का आगे सारा यहीं रुक जाता है गली में, निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल है और मकानों की नींव में पानी भरना शुरू हो गया, सारी नालियाँ टूटी पड़ी है, कोई स्वीपर नहीं आता। वार्ड मेंबर को 10 दफ़े कह चुका भाई आके देख लो इसको, कोई नहीं आता। हम बाहर स्वीपर आता है रोड पर, उसको कहते हैं कि हमारी ड्यूटी। कितने दिन से परेशानी हो रही है आपको? ये कम से कम 5 साल से हो रही है जी, 5 साल से परेशान है। तो 5 साल में आपने कहीं शिकायत नहीं की? हाँ जी, नगर पालिका में भी गए, वार्ड मेंबर को भी कहा, कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं पालिका अधिकारी? बस यही कहते हैं हाँ जी, बस अभी एस्टिमेट बन रहा है और आपके बाहर आपकी गली का नंबर। किससे मांग रखते हो आप अपनी जी? किससे मांग रखते हो कि सड़क बन जाए? अधिशासी अधिकारी के सामने मांग रखी जी, फिर हमने तो ज्यादातर वार्ड मेंबर है उसको भी कई दफे कहा। अब किससे मांग रखते हो? अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आप क्या करोगे? तो क्या करते जी, फिर हमें जो है यहाँ धरने पर बैठना पड़ेगा, सारी पब्लिक गली की जो है। अब बरसात का मौसम है, रोज बारिश होती है, कीचड़ भर जाता है घरों में। कहाँ धरने पर बैठोगे आप? बस यहीं बैठेंगे नगर पालिका के सामने। ठीक है, आपका? मेरा नाम दीपक चौधरी है। दीपक चौधरी जी, आपने भी यहाँ हंगामा किया, कई लोग आपके साथ में, क्या मामला है? मामला ये है, ये हमारी गली सारी पूरी क्षतिग्रस्त है। इस संदर्भ में हमने काफ़ी बार नगर पालिका को भी बोल दिया, डीएम को भी बोल दिया, काफ़ी जगह हमने इसको रिटर्न में भी दे दिया है, बट अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हो आप? बस हम यही चाहते हैं हमारी गली बन जाए, कोई गंदगी ना रहे यहाँ पे। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको इससे? परेशानी है, बारिश होते ही सारे गड्ढे में पानी भर जाते हैं, गड्ढे में पानी भर जाते हैं, ना तो कोई स्वीपर है यहाँ पे, सारी गली पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है, गंदगी होती है, मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी होती है। किस किस से शिकायत की आपने? सबसे पहले मैंने शिकायत इसमें नगर पालिका से की थी, अधिशासी अधिकारी को। उसके बाद यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, उसके बाद वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने फिर डीएम को इसको शिकायत की है, वार्ड मेंबर को भी। वार्ड मेंबर ये कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वार्ड मेंबर इसमें कुछ नहीं करता। तो अब आप क्या चाहते हो, किससे शिकायत अपनी मांग रखते हो? अभी तो हम प्रशासन से मांग रखते हैं कि हमारी बस ये जो गली है, गली बन जाए हमारी।